वो 1000-2000 का आता है और ये 80 रुपए का, और लिटरली एक जैसा ही काम करेगा। यार अच्छी खासी शांति थी और फ्लो खराब हो जाता है की आवाज में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयरएवर यू आर। फेस्टिव मंथ शुरू हो गया और एकदम फेस्टिवली पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। मैंने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, इस मंथ यही बैकग्राउंड रहने वाला है बिकॉज आई रियली वांटेड दैट फेस्टिव वाइब्स इन ऑल ऑफ माय वीडियोस। और एज यूजुअल मंथ की शुरुआत होती है हमारे मंथली फेवरेट्स के साथ। सो आज मैं बात करने वाली हूँ सेप्टेम्बर फेवरेट प्रोडक्ट्स की। आई हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेप्टेम्बर मंथ। काफी सारा मेकअप है, रैंडम से टूल्स है, स्किन केयर है, बॉडी केयर है, सो यू विल डेफिनेटली लव दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू सबसे पहला जो मेरा फेवरेट रहा है वो है फ्रॉम द ब्रांड क्रायोलॉन, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, वैसे होना चाहिए क्रायोलॉन, ओ है ना, तो क्रायोलॉन होना चाहिए। ये प्रोफेशनल मेकअप उनका सुप्रा कलर, ये पैलेट मैंने नायका से मंगवाया था बिकॉज मुझे क्रायोलॉन का स्टोर कहीं नहीं मिल रहा था डेली में। मेरा मन था मैं स्टोर पर जाऊँ, प्रॉपर सर्च करके देखूँ कि मेरा एग्जैक्ट शेड कौन सा, सो दैट मुझे पता चल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने नायका से पैलेट मंगा लिया। ये कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बॉक्स पैकेजिंग में आता है, यू कैन सी एकदम वो जैसे हमारी बचपन में ज्योमेट्रीज आती थी ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा। और जब मेरे नेल्स थे ना उस टाइम ये बिल्कुल नहीं खुल रहा था, मैंने अपनी मदर से खुलवाया था सारे फंक्शन में। सो दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स लाइक। मैंने ये वाला स्पेसिफिकली मंगवाया था बिकॉज मुझे इसकी शेड अच्छी लगी। इसमें एक ऑरेंज कलर करेक्टर है और इसकी डब्बी ढक्कन बार बार खुल जाता है। ओके, वी हैव अ ऑरेंज कलर करेक्टर, एक डार्क कलर है, एक बिल्कुल लाइट सा कलर है। ये जो तीन शेड है ना, ये मेरे स्किन से क्लोज है। सो जो क्लोजेस्ट है मेरी स्किन से, मतलब मैं अगर बिल्कुल मेकअप ना करूँ, वो है ये वाला शेड। काफ़ी बार मेरा मन होता है मेकअप नहीं करना, तो मैं खाली जो मेरे डार्क स्पॉट्स है ना एक्ने के, मैं उसको कंसील कर लेती हूँ और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला शेड। इसका नाम है 626C। इनके बहुत सारे शेड्स आते हैं। क्रायोलॉन एक मेकअप आर्टिस्ट वाला ब्रांड है जो टीवी आर्टिस्ट भी करते हैं, फ्लैश फोटोग्राफी में किया जाता है, इसलिए इनके बहुत सारे शेड्स आते हैं। तो आई वुड से ऐसे ऑनलाइन रेफर मत करना, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा शेड क्लोजेस्ट कौन सा है। तो ये 626C, ये एकदम क्लोजेस्ट है मेरे डार्क स्पॉट्स के कलर से। सो काफ़ी बार जब मेरा मन होता है खाली डार्क स्पॉट्स को कंसील करने का, मैं ये वाला शेड यूज़ करती हूँ। दीज आर वेरी क्रीमी एंड दीज आर नॉट मैट, ये एकदम मैट नहीं है, इनको आपको सेट करना पड़ेगा लूज पाउडर से, अदरवाइज ये ट्रांसफर हो सकते हैं बिकॉज ये सुपरा कलर जो बेस होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग फील होता है। एंड आई लाइक नरिशिंग मेकअप बिकॉज अगर मैं एकदम मैट मेकअप करती हूँ ना, तो वो जल्दी क्रैक हो जाता है। आई लव द फैक्ट ये वाले बेस क्रैक नहीं होते स्किन पे। सो अगर आपको भी स्किन क्रैकिंग का इशू है ना, लाइक मेकअप करते हो थोड़ा बहुत क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, आई वुड से सुपरा कलर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और जो नेक्स्ट शेड है वो है 626B। ये ऑलमोस्ट मतलब एक शेड हल्का सा मैं बोल सकती हूँ डार्क स्पॉट से लाइट, लेकिन जो मेरा एक्चुअल स्किन टोन है ये बिल्कुल वाला शेड है। तो ये भी मेरा एकदम नो मेकअप मेकअप लुक में काम आता है। मैं आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ। आजकल वैसे मैं यही सबसे ज्यादा यूज कर रही हूँ, जब मेरा बिल्कुल मन नहीं होता मेकअप करने का, ये 626B लगाया, डार्क स्पॉट्स और जो भी जहाँ पर भी पिगमेंटेशन है उसको कंसील किया, हाथ से ये ब्लेंड हो जाता है एंड दैट्स इट। मतलब पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है लिटरली माई स्किन बट बेटर। और लूज पाउडर फिर कॉम्पैक्ट से सेट कर देती हूँ एंड आई एम गुड टू गो। सो आई एम वेरी हैप्पी मैंने पैलेट ऑर्डर कर दिया, ये काफ़ी क्लोज है मेरे शेड से। लाइटर वाले को मैं हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकती हूँ, ये एक डार्क कलर है जिसे मैं कॉन्टोरिंग कर सकती हूँ। और ये ऑरेंज कलर करेक्टर है, बाय द वे इफ यू डोंट नो, इसमें एक ऑरेंज कलर करेक्टर भी है जो कलर करेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा। अगर मैं प्रॉपर प्रोफेशनल वाला मेकअप करना प्रेफर करती हूँ ना, लाइक मुझे अपने डार्क स्पॉट्स को कंसील करना, सो दिस इज रियली नाइस। आई लव द फैक्ट एकदम वो डीप डार्क ऑरेंज वाला करेक्टर नहीं है। मैं बहुत पहले LA गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करती थी एंड ओ माई गॉड दैट वॉज नॉट फॉर माई स्किन बिकॉज मैं वीटिश हूँ, मैं सांवली नहीं हूँ, मैं लाइट भी नहीं हूँ, मेरा एक वीटिश डस्की स्किन टोन है और वाला ऑरेंज करेक्टर बहुत ज़्यादा ऑरेंज था मेरे फेस के लिए। उसको कंसील करने के चक्कर में मैं इतना फाउंडेशन यूज़ करती, मेकअप मेरा अजीब सा लाल लाल अजीब सा दिखता था। सो थैंक गॉड मुझे अब क्रायोलॉन का पता चल गया, अब मैं एकदम लाइट येलो अंडरटोन का ऑरेंज करेक्टर यूज करती हूँ जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। इस पैलेट का प्राइस है 1650 और ये हार्डली सेल पर आता है। लाइक क्रायोलॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नायका पर इतने सेल पर नहीं आते बिकॉज प्रोफेशनल मेकअप है, ये 100 या फिर 200 का आपको ज्यादा डिस्काउंट पर मिल जाएगा। तो आप ये ले सकते हो नायका से एंड ऑथेंटिक आया है, ये ओरिजिनल ही है, ये कोई कॉपी या फेक नहीं है। सो यू कैन डेफिनेटली बाय फ्रॉम अमेजोन। अगर आपको क्रायोलॉन का स्टोर ऑफलाइन नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन ये पैलेट ले लो एंड यू आर गुड टू गो for your whole face. Now next up in the body care category, I have two products that I'm genuinely loving right now and the month of September as well. एक तो मैं August से use कर रही हूँ, मैंने August की किसी वीडियो में इसको review भी किया था। So ये specifically chemical exfoliant infused body care products. So क्या होता है ना, face को चलो acne के issues हैं ही, लेकिन काफ़ी बार back पर भी होते हैं, हाथों पर bumps बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी किसी को legs पर भी bumpiness होती है। मुझे upper thigh के around काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बार bumps पड़ जाते हैं, acne या फिर rashes जैसे हो जाते हैं, specifically जब gym करो, because हम वो gym
टाइट्स पहनते हैं, फिर उसमें पसीना आता है, वर्कआउट करते हैं, तो काफ़ी बार उस एरिया में ना एक बम्पीनेस आ जाती है, और उस बम्पीनेस पे मैं फिजिकल एक्सफोलियंट्स नहीं यूज़ कर सकती। मैं उसके ऊपर स्क्रबिंग करूँगी, वो चीज़ और रेड हो जाएगी और ज़्यादा वो एग्जैजरेट हो जाती है। तो उससे बेटर है आप स्विच करो केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए, जस्ट लाइक हम अपने फेस पर सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स लगाते हैं, बिकॉज हम केमिकली स्किन को एक्सफोलिएट करना चाहते हैं। इन द सेम वे आप वही चीज़ें अपनी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज नाउ वी हैव केमिकल एक्सफोलिएंट इन्फ्यूज बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहले मेरे पास ये डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश, इसकी बात मैंने काफ़ी बार करी हुई है, मैंने इसको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी काफ़ी बार मेंशन किया हुआ है। आई लव दिस प्रोडक्ट। इट्स नॉट लाइक कि ये वाला पोर्शन पार्टनरशिप में ब्रांड के साथ, तो मैं ऐसा खाली पेड प्रमोशन के लिए बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी आई जेन्युइन लाइक इट। ये ऑलमोस्ट मेरा हाफ हो चुका है, मैं इसको एवरी ऑल्टरनेट डे यूज़ करती हूँ। स्पेसिफिकली जिम करो ना तो चाहिए ही होता है स्किन को थोड़ा सा केमिकल एक्सफोलिएट करना, अदरवाइज वो चिप चिप हो जाता है। सो इसमें आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, प्लस इसके अंदर पेंटाविटिन भी है। सैलिसिलिक एसिड अगर आपको नहीं पता क्या होता है, BHA होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जिसको बोलते हैं। ये डीपली आपके स्किन में जाके जो भी गंक और जो भी बेसिकली एक्ने एंड ऑल के इश्यूज होते हैं उसको मारता है। फिर ग्लाइकोलिक एसिड है वो AHA होता है, ये टॉप लेवल की आपकी जितनी भी डर्ट होती है उसको हटाता है। प्लस इसके अंदर पेंटाविटिन भी है जो अगेन बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, उसको नरिशमेंट देता है, उसको कहीं ना कहीं जो भी मॉइस्चर होता है उसको लॉक करके चलता है आपकी बॉडी के अंदर। और ये जो बॉडी वॉश है ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, डाई और मिनरल ऑयल फ्री भी है। प्लस इसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है, या इट हैज नो दैट फैंसी वाली जो खुशबू आती है ना, अगर आपको उन फ्रेग्रेंसेस से भी एलर्जी है ना, आई वुड से स्विच टू सच बॉडी वॉशेस, बिकॉज इसमें वो वाली फ्रेग्रेंस नहीं है जो आपकी बॉडी पे एलर्जी देगी। नहाने के बाद भी आप कुछ ऐसा यूज कर सकते हो जो अगेन आपकी स्किन को अच्छे से नरिशमेंट भी दे, एट द सेम टाइम केमिकली भी एक्सफोलिएट करे। सो सेम रेंज का डर्माको ने लॉन्च किया है 1% सैलिसिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी सीरम लोशन। मेरे रिसेंटली ना सारे बॉडी लोशन खत्म हो गए थे, और जब ये मुझे अभी सेप्टेम्बर के मिड के अराउंड रिसीव हुआ था ना, ये लॉन्च अभी हुआ है लेकिन हमें पहले ही रिसीव हो जाते हैं प्रोडक्ट्स टू टेस्ट एंड ट्राई, तो मैंने आते ही इसको खोल लिया था। लिटरली बॉक्स आया, मैंने कट किया, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था, और मैंने अब तक आई थिंक इतना यूज़ भी कर लिया होगा। मैं इसको डेली यूज़ कर रही हूँ, स्पेसिफिकली अपने अपर थाई पोर्शन पर जहाँ पर मुझे अभी बम्पीनेस का इशू है, काफ़ी बार बैक पर भी होते हैं तो आप बैक पर भी लगा सकते हो। सो ये भी सैलिसिलिक एसिड इन्फ्यूज लोशन है, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, प्लस इसके अंदर जिंक PCA भी है। जिंक क्या करता है, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करके चलता है। सो अगर आपको काफ़ी जगह ग्रीसीनेस या फिर जैसे स्वेटिंग या फिर वैसा इश्यूज है ना कि ऑयल बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो उस केस में ये लोशन एकदम परफेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर पेंटाविटिन है, एक्वा एक्साइल है, जो बेसिकली एक यूनिक और लाइट वेट सीरम फॉर्म में एक हाइड्रेशन देते हैं, आपको स्किन को नरिश फील कराता है। सो इसको लगा के ऐसा ग्रीसी वाली फील भी नहीं आती, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन नरिश भी फील होती है, विच आई पर्सनली लव। बट टॉक अबाउट द प्राइस पॉइंट, बॉडी वॉश आपको पड़ेगा 299 रुपीज का फॉर 250 ml, विच इज सुपर अफोर्डेबल, और बॉडी लोशन आपको पड़ेगा 399 रुपीज का फॉर अगेन 250 ml ऑफ प्रोडक्ट, विच इज वेरी अफोर्डेबल। और उसके ऊपर मेरा कोड भी लगता है, विच इज कशिका 2022। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे डर्माकोकी, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा। अदरवाइज आपको नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर भी मिलते हैं, आप वहां से भी खरीद सकते हो, द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज डर्माकोकी अब सारे प्रोडक्ट्स हो चुके हैं फ्रेग्रेंस फ्री, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस एलर्जी या फिर इशू है, आप डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो। प्लस दे हैव अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव एज वेल, आप जितनी बार भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, एंड दे हैव प्लेज टू हेल्प 10,000+ स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। द पोर्शन ऑफ दिस वीडियो इज इन पेड पार्टनरशिप विद द ब्रांड, बट ट्रस्ट मी आई लव्ड इट। अगर नहीं भी होता ना तो मैं लोशन वैसे भी फीचर करती हूँ, बिकॉज आजकल मैं पर्सनली इसको यूज कर रही हूँ। सो आई वुड से हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल माई एक्ने स्किन फैमिली। नेक्स्ट अब आई हैव टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिप केयर कैटेगरी। सबसे पहले है ये MyGlam का लिट PH लिप बाम, जो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, लिटरली ऐसा लगता है कि लिपस्टिक की पैकेजिंग है, बट ये एक्चुअल में लिप बाम है। आई लव द लाइक द शेप ऑफ दिस वन, मुझे ऐसे पतली शेप वाले ना लिप्स प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे लिपस्टिक हो लिप बाम हो, बिकॉज मेरे लिप्स काफ़ी छोटे हैं, और वो बड़े बड़े ऐसे हेड वाले मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ ना, बाहर कहीं होती हूँ, ऑब्वियसली मिरर नहीं है, मुझे फटाफट से लिप बाम लगाना है, वैसे मैसी हो जाता है, सारा बाहर निकल जाता है। आई लव द शेप ऑफ दिस वन, ये लिटरली कैन यू सी एकदम परफेक्ट फिट आता है। ट्रेटिनॉल का कोर्स शुरू हुआ है परसों से, और मैं उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ रही थी, तो उसमें यही था कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होती है, एंड ट्रस्ट मी मुझे जब से शुरू हुआ है ना वो कोर्स, मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील हो रही है। सो आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा लिप बाम यूज़ करती हूँ। दिस इज नाइस, इट हैज़ अ कलर टू इट एज वेल, अभी लिपस्टिक पर नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका एक हल्का सा टिंट आता है, कैन यू सी, एक ऑरेंज ऑरेंज टिंट आता है जो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी ऐसी लिप बाम पसंद है जिसमें एक नेचुरल सा टिंट आता है, जो ऐसे लाउड नहीं लगता, एंड एट द सेम टाइम एक लिपस्टिक का इफेक्ट भी देता है, तो डू ट्राई दिस वन। अगर आप
ग्लैम की ऐप से लोगे ना तो आपको काफी बार ये फ्री में ही मिल जाता है, एज इन आपको नीचे दिखता है कि अगर आपको फ्री डिलीवरी या एंड ऑल चाहिए तो एक ये 100 रुपए का लिप बाम और डाल दो तो आपको फ्री डिलीवरी या फिर कुछ ऐसे गिफ्ट में मिल जाता है। इनकी ऐप पर मैंने देखा है ऐसे फ्री गिफ्ट में भी आपको मिल जाता है, सो आप चेकआउट कर सकते हो। वेरी अफोर्डेबल एंड एक्चुअली फील्स वेरी नाइस ऑन लिप्स। इसका फ्लेवर भी काफी अच्छा है, इट हैज़ एट फ्रूटी फ्रूटी वाली फील, तो आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है, मैं इसको अपने बैग में रखती हूँ। सेकंड फेवरेट जो मेरा नाइट टाइम का चल रहा है वो है ये डॉट एंड की का लिप प्लम्पिंग स्लीपिंग मास्क। ये कुछ इस तरह की छोटी सी डब्बी में आता है। आई लव डॉट एंड की की पैकेजिंग, काफ़ी क्यूटी लगती है मुझे ये। सो डॉट एंड की ने मुझे भेजा था उनका फेस्टिव एडवेंट कैलेंडर, जिसकी मैंने शॉर्ट्स और रील बना के डाली थी, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हो। वो बेसिकली 12 डेज का एक एडवेंट बॉक्स था जिसमें एवरी डे के उसके अंदर प्रोडक्ट्स थे। लेट मी शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस वन। इसका स्पैचुला नीचे रह गया बट ये काफ़ी पतला पतला ऐसा फील होता है। मुझे ना ऐसी पैकेजिंग कम पसंद है बिकॉज फिर फिंगर बहुत ज़्यादा डिप होती है, बट या इट हैज़ अ वेरी थिन टेक्सचर, कैन यू सी, एकदम ब्लेंड होने का पता भी नहीं चल रहा। इसका ऐसा जब लगाते हो ना तो ऐसा एकदम रेड रेड जैसा कलर फील होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चला जाता है एंड इट्स नाइस। मतलब रात को जब मैं इसको लगा के सोती हूँ सुबह तक मेरे लिप्स कहने के नरिश रहते हैं। सो डेफिनेटली एज अ लिप स्लीपिंग मास्क ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेज में हेल्प कर ही रहा है। और लिप केयर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो लिपस्टिक की भी बात कर लेते हैं। मुझे आदत है अपने हर एक मंथ के फेवरेट में एक लिपस्टिक को फीचर करने का। वैसे इस में कोई स्पेशल फीचर नहीं है, ऐसा डिफरेंट नहीं है कि ओ माय गॉड इस मंथ मुझे वही लिपस्टिक बहुत पसंद आई है। मैं जो रेगुलर पहले से आपको दिखाती आ रही हूँ ना वही लिपस्टिक्स मैंने यूज करी है, लेकिन रिसेंटली मैं गरबा नाइट में गई थी और मैंने ट्यूटोरियल भी उसका जो डाला था, मैंने उसमें ये वाली लिपस्टिक एज अ टॉप अप लिपस्टिक यूज करी थी बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग हॉट पिंक, एकदम नाइस फायरी पिंक जो कलर होता ना मैं वो ढूंढ रही थी, और मुझे अपनी लिपस्टिक के सबसे पीछे वाली लाइन में लिपस्टिक दिखी ना, आई वाज लाइक ये मेरे पास थी और मैंने काफी टाइम से ट्राई नहीं करी। ये स्विस ब्यूटी की HD मैट लिपस्टिक, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है बहुत टाइम पहले बनाई उनकी कोलैबोरेशन में, मैं इनकी सारी रेंज को स्वॉच किया, अगर आपने नहीं देखी आप यहाँ की जाकर देख सकते हो, आपको उसके अंदर सारे स्वॉचेस मिलेंगे। बट मुझे जो ये शेड आजकल उस दिन पसंद आया वो है 05 फायर पिंक, एंड ये लिटरली एकदम फायरी पिंक कलर है। आज ही मैंने यही लगाया था, बहुत देर हो गई शूट करते हो, थोड़ा सा डल हो गया। लाइक लुक एट दिस, एकदम हॉट पिंक, एकदम चटाक वाला जो पिंक बोलते हैं ना इसका बिल्कुल वैसा शेड है, लेकिन फेस्टिव मंथ में ये बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आप बिल्कुल भी आईज का इतना मेकअप नहीं करते ना, आप खाली लाइनर लगाना चाहते हो, तो आई वुड से लिप्स को थोड़ा सा और अच्छा एनहांस करने के लिए एक ऐसा हॉट पिंक शेड लगा सकते हो। मतलब इसको लगाती ना पूरा एकदम फेस ऐसे खिल जाता है। उस दिन भी जब मैंने इसको एज अ टॉप अप लिपस्टिक लगाई, मतलब पूरा फेस एकदम कहीं ना कहीं खिल गया, और जो गरबा वाला आउटफिट मैंने पहना हुआ था वो ऑरेंज पिंक टोन का था, तो उसके बाद मैच भी काफी अच्छे से हो रहा था। एंड दिस स्टे प्रिटी वेल, ये HD मैट लिपस्टिक्स हैं ये, लेकिन हल्की सी ट्रांसफर होती है बिकॉज बुलेट लिपस्टिक ना हल्की हल्की ट्रांसफर होती है, दे आर नॉट 100% ट्रांसफर प्रूफ, तो हल्की सी होती है बट ये स्टे काफी अच्छा करती है। एंड दीज आर लाइक एग्जैक्ट ड्यूप्स ऑफ हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, पैकेजिंग भी इनकी इनफैक्ट वैसी है। तो ओनली थिंग इज इन्होंने जो मैग्नेट लगाया हुआ ना वो दो स्क्रू में लगाया हुआ है, इन ऑपोजिट वाले स्क्रूज में मैग्नेट नहीं है, तो आपको थोड़ा सा देख के इसको बंद करना पड़ता है सो दैट आप इसको मैच करो। अगर आप मैच नहीं करोगे तो ये मैग्नेट वर्क ही नहीं करेगा। इधर गिर गया एंड या सो मुझे बैग्स के लिए थोड़ी सी अनॉइंग लगती है बिकॉज ये अगर बैग में ऐसे कहीं खुल गई तो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाएगा, बट आई थिंक फॉर द फैंसी थिंग एंड फॉर द प्राइस पॉइंट, अगर आपको हुडा ब्यूटी का एकदम सस्ता ड्यूब 250-300 में मिल रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट आई हैव समथिंग फ्रॉम अनदर अफोर्डेबल ब्रांड जो है मार्स। मैंने अभी रिसेंट फेस्टिव मेकअप सजेशन में भी रिकमेंड किया था, ये है मार्स का टेक अ ग्लो एल्यूमिनेटिंग प्राइमर एंड दिस इज सो गुड। मैं इसको कॉन्स्टेंटली आजकल यूज कर रही हूँ। मैं करती हूँ अपना फाउंडेशन लेती हूँ और उसमें दो पंप के अराउंड ये मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसको अलग से ही लगाती हूँ, मैं इसको फाउंडेशन में मिक्स करके लगाती हूँ। जस्ट लाइक अ एल्यूमिनेटिंग बेसिकली प्राइमरी अपने आप को बोलता है, लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रोक क्रीम जैसा इफेक्ट देता है। लाइक लुक एट दिस, कितनी अच्छी शाइन आती है ना स्किन पर। ये बिल्कुल जैसे मैक की स्ट्रोक क्रीम है ना, आप इसको बिल्कुल उसका सस्ता ड्यूब बोल सकते हो। सो अगर आप मैक की स्ट्रोक क्रीम का कुछ अफोर्डेबल में देख रहे हो, ये मार्स एकदम डिटो कॉपी, आपको मैक इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी शाइनेस देता है। द बेस्ट पार्ट इसमें चंकी ग्लिटर नहीं है। मैं इससे पहले यूज करती थी स्विस ब्यूटी का रियल बेस, उसमें काफी ज्यादा चंकी पार्टिकल्स है। मतलब कोई बहुत पास आके देखेगा ना तो उसको ऐसे पता चल जाएगा कुछ ना कुछ ऐसे शिमर शिमर चमक रहा है, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें काफी ज्यादा फाइन एकदम शिमर है जो एकदम ऑन फेस नहीं पता चलता। इट हैज वेरी फाइन, तो एकदम नेचुरल ग्लो के लिए अच्छा है। अगर आप कुछ बहुत ज्यादा नेचुरल हाइलाइटर भी ढूंढ रहे हो ना, जो ऐसा लगे कि बस एक ड्यूइनेस दे रहा है, ग्लॉसीनेस दे रहा है स्किन को, तो आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। आप खाली इसको अपने हाई पॉइंट्स पे लगाएं या गुड टू गो। मैं पर्सनली इसको फाउंडेशन में मिक्स करना प्रेफर करती हूँ, बहुत अच्छी फिनिश देता है। अगर आपके पास कोई फाउंडेशन है जो थोड़ा सा डार्कर
स्किन टोन का भी है ना आपके स्किन टोन से, तो आप इसमें दो पम्प मिक्स कर लो इसके साथ, उसका स्किन टोन भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है एंड एट द सेम टाइम उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है, एक डूई ग्लॉसी एक फाउंडेशन बन जाता है। सो डेफिनेटली ट्राई दिस वन। ये आपको वो अमेजोन से कॉम्बोज में भी मिलता है, लाइक अगर आप इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट लोगे, दो तीन के कॉम्बोज मिलते हैं, मैं वो नीचे लिंक कर दूंगी। अदरवाइज अगर आप ये मार्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लोगे तो मेरा कोड लगा लेना कशिका 10, आपको उससे एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अप आर दीज मेकअप पफ, और इसकी हाइप मैंने हर जगह देखी थी, मतलब मैं रील शॉर्ट्स खोलती थी, कोई ना कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर या फिर कोई मेकअप ट्यूटोरियल सिखा रहा होता था, तो या तो यूज कर रहा होता था या फिर इसकी बात करता था, काफी अच्छे हैं। तो मैंने डायरेक्टली इसका पैक ऑफ 10 मंगवा लिया अमेजोन से, बिकॉज पैक ऑफ 10 में मुझे बहुत अच्छी डील मिल रही थी एंड दीज आर सो सॉफ्ट। मैंने एक ऑलरेडी अपने कॉम्पैक्ट में नीचे रखा हुआ है, जो मेरे बैग में रखा हुआ है, मैंने वो पहले वाला जो कॉम्पैक्ट के साथ गंदा सा पफ आता ना, मैंने वो थ्रो कर दिया, बिकॉज इससे बहुत अच्छी फिनिश मिलती है। सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक, इनकी जो शेप है ऐसे ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ शेप है, और पीछे ही कुछ इस तरह से रिबन मिलता है, आप इसमें फिंगर इंसर्ट करके ऐसे स्टिफ कर सकते हो, और इसकी शेप की वजह से इसको लगाना इतना मतलब ईजी हो जाता है ना, काफ़ी बार आपको कॉम्पैक्ट खाली ऐसे अंडर आई में यूज़ करना है, तो यू कैन जस्ट टेक योर कॉम्पैक्ट एंड यूज इट लाइक दिस। मैं सोची हूँ मैं एक रील बनाऊंगी जिसमें कंपेयर करके दिखाने वाली हूँ कि जो ऐसे कॉम्पैक्ट आते हैं उसका अपना जो स्पंज होता है वर्सेस इसका स्पंज कितना डिफरेंस है, सो मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये तो नया है, मैं नीचे जो यूज़ कर रही हूँ वो वाला एकदम यूज़ वाला है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, एंड वंस यू जस्ट पुश इट इन टू योर स्किन, ये आपके सारे मेकअप को इतना ब्यूटिफुली ब्लेंड कर देता है ना, मतलब लुक एट दिस। अब यहाँ की जो भी वो हाईलाइटर की शाइनेस थी ना वो सब चली गई, और ये वाला आप साइड देखो। सो अगर आपको थोड़ा सा अपने स्किन को मैटिफाई करना है ना, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल आपके इनर कॉर्नर्स तक चला जाता है, आपके हैंड्स को पोक नहीं करता, हैंड्स बोला मैंने, आईज को पोक नहीं करता, शेप काफ़ी अच्छी है। आप इससे अंडर आइज पर सेटिंग कर सकते हो, बेकिंग कर सकते हो, आप कॉन्टोर क्रिएट कर सकते हो बिकॉज शार्प काफ़ी अच्छा, या फिर आप पूरे फेस को ऐसे ब्लेंड भी कर सकते हो। सो आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट मैंने पैक ऑफ 10 लिया था, अगर आपको ये ट्रायल बेसिस पे लेना है तो आप पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 भी ले सकते हो। मैंने अमेजोन से लिया था, सो मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगी। कंस्ट्रक्शन मेरी जान खा लिया, प्लीज़ इग्नोर इट, आई एम डन विद कंस्ट्रक्शन। मैंने चार बार ये वीडियो रोकी और अब मैं इरिटेट हो गई हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर दैट नॉइज। सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज़ वेरी नाइस, अगर लेना है ना तो अमेजोन से ट्राई करना। मैं नेक्स्ट अप वी हैव अ फार्मेसी फाइंड, बेसिकली ये आपको केमिस्ट पर मिलेगा, आई थिंक ऑनलाइन शायद अमेजोन पर मिल जाए, नॉट रियली श्योर। यह है कैलेड्रिल सूदिंग स्किन सूदिंग लोशन, ये कुछ इस तरह से दिखता है, स्किन एलर्जी एक्सपर्ट लोशन है जो इफेक्टिव रिलीफ देता है स्किन एलर्जी से, इसमें लिखा हुआ है सनबर्न में आप लगा सकते हो, इनसाइड बाइट्स में आप लगा सकते हो, प्रिकली हीट लाइक अगर आपको गर्मी वैसे गमोरिया हो गया आप तब इसको लगा सकते हो, और माइनर स्किन इरिटेशन में लगा सकते हो। सो इसकी एकदम वूई ऐसे चिपचिप सा टेक्सचर है, इसको आपको पहले शेक करना होता है अच्छे से, एंड दिस जस्ट लाइक कैलोमाइन आती है ना, ये बिल्कुल वैसे वाले लोशन है, बिल्कुल वैसे ही फील होता है जो पिंक कलर कैलोमाइन आती है। ऑल्सो इफ यू डोंट नो बाय दैट सुपर एक्सपेंसिव मारियो बेडेस्क्यू का ड्राइंग लोशन, मैं आपको एक हैक बताती हूँ जिससे लिटरली आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे, वो 1000-2000 का आता है और ये 80 रुपए का, और लिटरली एक जैसा ही काम करेगा। आप कोई भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम या कोई भी जेल लगा सकते हो, लाइक जिट केयर आता है एक 1% का जेल जो मैंने काफी बार रेकमेंड किया हुआ है, आप वो लगाओ अपने एक्ने पे, उसको सूखने दो, और उसके बाद आप ये कैलेड्रिल लोशन उसके ऊपर लगा सकते हो, बिकॉज जो मारियो बेडेस्क्यू ड्राइंग लोशन है उसमें भी आपको यही मिलता है सैलिसिलिक एसिड, जो एक्ने फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्लस उसमें कैलोमाइन की एक लेयर होती है, तो लिटरली आप वैसा कुछ ही खुद ही अपने फॉर्म में लेयर अप करके बना सकते हो और आपको ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे। सो डेफिनेटली दिस इज वेरी नाइस, मेरा एक फार्मेसी फाइंड है जो मुझे आजकल काफी पसंद आ रहा है, इनफैक्ट नॉट सितंबर, मैंने अगस्त उससे पहले भी एक मंथ में लिया था और मैं इसको काफी बार यूज कर चुकी हूँ, मच्छरे काटने पे, रैशेस पर, बर्न्स के ऊपर भी यूज कर चुकी हूँ। सो 80 रुपए में आई थिंक ये फर्स्ट एड सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है जो होना ही चाहिए। सो या विद दिस माय मंथली फेवरेट इज ओवर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक कर लेना, और स्टॉक का लिंक भी दे दूंगी, बिकॉज फिर तुम पूछते रहते हो क्या पहना है क्या पहना है। ये मैंने अमेजोन से ही मंगवाया है, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जन्नस्या, इट्स लाइक अ वेरी नाइस पेप्लम वाला फ्लोई फ्लोई वाला टॉप है, फुल स्लीव्स का, ऐसे बेल वाली जो स्लीव्स होती है, इसका लिंक मैं नीचे दूंगी, वेरी नाइस स्टफ, इसका कॉटन भी काफी अच्छा है, विच आई एम लविंग, सो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।